खबर मोगा से है, जहां मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन में पुलिस ने लावारिस बैग बरामद किया है। लावारिस बैग से 13 बोतल शराब बरामद की। आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक शंभुराम भाटी ने बताया कि मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन के समय ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान सरवन सिंह को एक लावारिस बैग नजर आया। बैग की तलाशी लेने पर बैग में शराब बरामद की गई। सूचना से सोजद आबकारी जाप्ता मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। उक्त शराब को आरपीएफ टीम ने आबकारी विभाग को सौंप दी है। अवैध शराब की कीमत 10,000 बताई गई है।